Hi everyone, Namaste, welcome back to my channel, मैं हूँ निलीशा। So, आज के वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं पॉन्चो, हम इसे सर्कुलर टॉप भी कह सकते हैं, कैप टॉप भी कह सकते हैं एंड पॉन्चो भी कह सकते हैं। So, we are going to make poncho today. So, हम इस पॉन्चो को हमारी काफी सारी ड्रेसेस के साथ में पेयर कर सकते हैं, लाइक साड़ी, स्ट्रैंग टॉप, क्रॉप टॉप, इवनिंग गाउन, सिंपल कुर्तीज। एंड हाँ, अभी वेडिंग सीजन है तो मुझे तो काफ़ी सारी वेडिंग्स अटेंड करनी है, होप आपको भी करनी होगी। सो इस वेडिंग सीजन में इस पॉन्चो को अपनी काफ़ी सारी पुरानी ड्रेसेस के साथ में पेयर करने वाली हूँ, आप भी कर सकते हैं। सो मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ काफ़ी सारे DIYs इस वेडिंग सीजन। सो आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब बटन के पास में एक बेल आइकन होगा, उसे ज़रूर हिट करें, उससे आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ के लिए नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है मेरा पॉन्चो फैब्रिक, ये नियर अबाउट 1.5 मीटर है। मैं इसे थोड़ा फैंसी बनाना चाह रही थी इसलिए मैंने इस टाइप का फैब्रिक यूज़ किया है। आप सिंपल फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं, इवन आप अपने पुराने दुपट्टे के साथ भी इसे बना सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने फैब्रिक को फोल्ड कर लूँगी लाइक दिस। फोल्ड करने के बाद में ये इस तरह से आ जाएगा हमारे पास में, ओपन साइड एंड फोल्डेड साइड। ओपन साइड में मेरे पास 4 फोल्ड दिख रहे हैं आपको इस तरह से। अब मैं अपने फैब्रिक को सिक्योर कर लूंगी बीडेड पिन के थ्रू लाइक दिस। जब हम इस फैब्रिक की मार्किंग और कटिंग करेंगे तो कपड़ा इधर उधर भागेगा नहीं, दैट्स व्हाई हम लोग इसे पिन से सिक्योर कर रहे हैं। अब हम इसके फोल्डेड साइड पर नेक के लिए मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। मुझे मेरे नेक की विड्थ चाहिए 6 इंच, तो मैं उसका हाफ लूंगी, यहाँ पे 3 इंच पे मार्क कर लूंगी। मुझे मेरे नेक की लाइन चाहिए 2 इंच, तो मैं यहाँ पे 2 इंच पे मार्क कर लूँगी, दोनों लाइंस को मिला दूंगी। दोनों लाइंस को मिलाने के बाद में बीडेड पिन से सिक्योर करके हम इसको कट कर देंगे लाइक दिस। अब मैं अपने पॉन्चो की लेंथ मार्क करूंगी। मुझे अपने पॉन्चो की लेंथ 22 चाहिए, तो मैं 22 पे मार्क कर रही हूँ। अगर आपको अपना पॉन्चो लॉन्ग बनाना है तो आप 24 पे भी मार्क कर सकते हैं। अब हम हमारे फैब्रिक को इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मिला लेंगे राउंड शेप में। मिलाने के बाद इसे बीडेड पिन से सिक्योर करके कट करेंगे। सो नाउ माय बेसिक पॉन्चो इज रेडी। अब पहले हम हमारे डाउन साइड के फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करेंगे लाइक 1 फोल्ड पहले, फिर दूसरा फोल्ड, उसे बीडेड पिन से सिक्योर करके इस पूरे राउंड में इसी तरह से हेम कर देंगे फ्रंट एंड बैक दोनों साइड। यू कैन सी मैंने इसे इस तरह से हेम कर दिया है। सेम प्रोसेस नेक के लिए भी फॉलो करेंगे। मैं इसमें कटवर्क की लेस यूज़ कर रही हूँ, मुझे ये कटवर्क काफ़ी पसंद आया, दैट्स व्हाई मैंने इसे परचेस किया है। वैसे मार्केट में काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, आप किसी भी टाइप की लेस ले सकते हैं। मैं इसे पॉन्चो के आगे पीछे दोनों साइड यूज़ करने वाली हूँ, सो इसके लिए मुझे नियर अबाउट 5 मीटर लेस का रिक्वायरमेंट रहेगा। मैंने इस लेस को फैब्रिक ग्लू के थ्रू अटैच किया है, आप चाहें तो स्विंग मशीन के थ्रू भी कर सकते हैं, इवन सुई धागे से भी आप इसे अटैच कर सकते हैं। अब मैं इसकी बची हुई लेसेस को कट कर रही हूँ एंड नेक में इसे एज अ पैच यूज करूंगी। ऐसे प्रॉपर जमाने के बाद मैं फैब्रिक ग्लू से अटैच कर दूंगी और हमारा पॉन्चो रेडी है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, सब्सक्राइब के पास में एक बेल आइकन होगा उसे जरूर हिट करना। Thank you so much for watching. Tara, bye bye, take care.